Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो वीडियो का टाइटल लिख वीडियो का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो स्किन केयर के अबाउट होने वाली है और शादी की भी तैयारियाँ चल रही हैं. इस वीकेंड भी शादी है, नेक्स्ट वीकेंड भी है, फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड भी है. तो मंथ में अगर आप एक दफ़ा भी स्किन केयर कर लेते हो किसी शादी पर तो वो लॉन्ग टाइम तक चल जाती है. सबसे पहले मैं स्किन पॉलिश बनाऊँगी, स्किन पॉलिश या ब्लीच कह लें. उसके बाद भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप मंथ में एक दफ़ा स्किन को अच्छे से ट्रीट करते हो तो बेहतर है कि 2-3 स्टेप और ले लो. क्लिंजिंग कर लो, स्क्रबिंग कर लो और फिर मसाज कर लो. उससे और जो है वो आपकी स्किन जो है वो निकल जाती है, क्लीन हो जाती है. तो बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें सब में आपको तैयारियाँ नज़र आएंगे आज के पूरे ब्लॉग में. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. वेलकम. अच्छा जी, तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारे पास ब्लीच. ब्लीच मैं यहाँ पे हमेशा ब्लेसो की यूज़ करती हूँ. इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ मुझे बहुत पसंद है. तो मेरी ख़त्म हुई हुई थी तो बस मैंने वही मंगवाई है. तो मैं अपने लिए भी ब्लीच बनाऊँगी और साथ साथ अपनी मदर इन लॉ के लिए भी बनाऊँगी. तो मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में ब्लीच और ब्लीच पाउडर यूज़ कर रही हूँ. आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप पाउडर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं. अदरवाइज ब्लीच से जो है वो कोई इतना रिएक्शन वगैरह नहीं होता. उसके अलावा मैं इसमें सूथिंग लोशन की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ ताकि स्किन पे किसी भी किस्म की कोई एलर्जी वगैरह जो है वो ना हो. उसके अलावा मैं इसको और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए ब्लीच को इसमें मैं यूज़ करती हूँ बूस्टर, स्किन बूस्टर ये जो होता है, और मैं इसमें अभी ये मिक्स कर दूंगी. और उसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें डालती हूँ क्लिंजिंग मिल्क. जो भी आपके पास क्लिंजिंग मिल्क अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं. अक्सर आप लोग बोलते हैं पाउडर वाली ब्लीच में इतना कुछ क्या डालती है, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आता है, तो वो यही सब चीज़ें यूज़ करती हैं. और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी स्किन पॉलिशर, कोई भी किस्म का, किसी भी ब्रांड का स्किन पॉलिशर डाल के और अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें. अगर स्किन ओवर सेंसिटिव है तो थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लें ब्लीच यूज़ करने से पहले. तो अम्मी को मैंने हैंड पे और फेस पे ब्लीच यहाँ पे लगा दी थी और बस मैंने अपने लिए भी बना ली थी. साथ साथ मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी ताकि मैं अपने फेस पे भी जो है वो उसको अच्छे से लगा सकूँ. तो आपने ब्लीच लगानी है और उसको जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है. और अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो 15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं. मैं जो है वो 20 मिनट तक लगाती हूँ और उसके बाद मैंने वॉश कर दी थी. देन फेस पे मैं वैक्स नहीं करती है, टिंकल रेजर जो होते हैं मॉइस्चराइज़र लगाया थोड़ा सा मैंने और जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स थे वो टिंकल रेजर के साथ जो है मैंने रिमूव कर ली. मेरे फेस पे फेशियल ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हेयर ग्रोथ बहुत कम है. अपर लिप्स भी मेरे बहुत कम आते हैं तो अपर लिप्स भी मैं हमेशा इसके साथ ही सेट कर लेती हूँ. मैंने कभी थ्रेड और वैक्स बहुत कम यूज़ की है, थ्रेड तो बहुत ही कम, वैक्स मैंने यूज़ की हुई है. और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपने हैंड के लिए ब्लीच. बनाई थी मैंने वही सेम मेथड की ही बनाई थी जो मैंने आपको वीडियो में बताया है. आप फेस के लिए, हैंड के लिए सेम यही मेथड यूज़ कर सकते हैं. इससे रिज़ल्ट जो है वो बहुत जो है वो अच्छा आ जाता है. तो किसी की आप हेल्प ले लें और अगर आपको पूरी बाजू पे ब्लीच करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. साथ में मैंने अपनी हेल्पर की जो है वो हेल्प ले ली थी और उसने जो है वो फिर मुझे सारी ब्लीच लगा दी थी. अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपना फेशियल. फेशियल के लिए मैं SB का पहले ट्रिपल एक्शन क्लिंजर के साथ अपनी क्लिंजिंग करवाऊँगी अच्छे से. अम्मी को भी मैंने फेशियल किया था और मामा को भी मुझे करना था, आंटी को भी करना था. तो मेरी हेल्पर को मैंने सारे स्टेप सिखाए हुए हैं तो उसने अच्छे से मेरी जो है वो फेशियल मेरा कर दिया था. और जब भी मैं थक जाती हूँ, अक्सर नहीं खुद से हो पाता तो फिर मेरी हेल्पर जो है वो मेरा फेशियल अच्छे से कर देती है. आपने हर स्टेप को जो है वो 6-6 मिनट देने हैं और 6 मिनट तक उसने पहले अच्छे से मेरी क्लिंजिंग की. देन उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रब. 6 मिनट तक उसने अच्छे से स्क्रबिंग की. स्क्रबिंग में ये होता है कि आपने पानी का इस्तेमाल कम करना होता है और अपने हैंड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है. ज़्यादा आपने स्क्रब को गीला करके अपनी स्किन को एक्सफोलिएट जो है वो नहीं करना होता. देन फिर हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है मसाज, ताकि हम अपनी स्किन को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें. क्योंकि ब्लीच हुई होती है, फिर क्लिंजिंग हुई होती है और फिर ये स्क्रब हुआ होता है, एक्सफोलिएशन हुई होती है, तो स्किन थोड़ी सी जो है वो रेड हो जाती है. तो मसाज से ये है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है. यहाँ पे मेरी मसाज अच्छे से हो गई थी और मसाज करवाने के बाद जो है वो फेस पे इतनी अच्छी ग्लो आती है और इतना आप रिलैक्स फील करते हो. सबसे अच्छा स्टेप ही मुझे मसाज लगता है. और लास्ट में आप कूल डाउन करने के लिए फेस को और पोर्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ SB का ही मास्क. और इतने अच्छे से क्लिंजिंग हुई है कि जो भी स्किन में जो डर्ट है ना वो बाहर आ जाता है और मुझे पिंपल भी हो गया था. और इवन
पे जाने से आप लोग 4 दिन पहले कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। और यहाँ पे मैंने फिर अगेन पूरी ये बकेट बनाई और ये सब चीज़ें सेट की, क्योंकि मुझे मामा के घर जाना था, मामा को ये फेशियल वगैरह सब करना था। मेरा मास्क अभी लगा है और मास्क लगा रहेगा 15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसको जो है वो वॉश कर दूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ फाइनल रिज़ल्ट शेयर करती हूँ कि स्किन पे जो है वो किस तरीके के रिज़ल्ट हैं। मैंने जाने से 2 दिन पहले किया, लेकिन आप जाने से कोशिश करें 4 दिन पहले कर लें तो आपको जो भी पिम्पल वगैरह होंगे वो भी सेट हो जाएंगे, एंड दैट्स इट। और फिर मैंने मामा को फेशियल किया और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तैयारी में वेडिंग प्रिपरेशन का ही व्लॉग समझ लें आप। तो फिर मेरी सासू माँ जो हैं वो मुझे इतना इंसिस्ट कर रही थी, जाओ बेटा मेहंदी लगवाओ मेहंदी लगवाओ, लगवाती ही कहा तुम, शादी के बाद बहुत कम लगवाई है, तो वरना मेरा कोई ऐसे मूड नहीं था मेहंदी लगवाने का। और बस यहाँ पे वसीम को भी एक दावत पे जाना था, तो बस उन्हीं के मैंने कपड़े निकाले और बस यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी बहुत पैकिंग देख लेती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे पैक करनी है। और मेकअप पाउच मैंने बना लिया था, अभी इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो मुझे ऐड करनी थी, और मेहंदी का कलर भी जो है वो बहुत अच्छा आया था। अपनी चीज़ें भी पैक करनी थी, वसीम की भी पैक करनी थी, एक ही दिन का इवेंट था, जाना था और स्टे भी करना था। तो फिर जब स्टे करना होता है ना कहीं, फिर हर चीज़ पैक करनी पड़ती है, भले जो है ना वो शादी में एक दिन के लिए जाना और नेक्स्ट डे का इवेंट भी अटेंड करना हो, लेकिन फिर वो बहुत वो हो जाता है। तो बाकी ये पाउच, ये ड्रेस मैं वलीमे में पहनूँ कि मेरी कज़न की शादी पर पहना था, साल हो गया मेरे ख्याल में। और इसके अलावा मैंने कुछ ज्वेलरी भी अभी ही निकाल ली थी कि जो जो मुझे लेके जानी है, जो जो मुझे चाहिए। और उसके अलावा मुझे नो स्ट्रिप पे जो है वो नो स्ट्रिप्स चाहिए थी, मैंने यूज़ नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं ये भी लगा लेती हूँ, साथ साथ मैं काम भी कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह हर चीज़ मैंने निकाल के जो है वो रखी हुई थी कि बस मैं बस बैग लेती हूँ और सारा सामान रखती हूँ। वसीम की भी सारी चीज़ें मुझे ही जो है वो पैक करनी थी, ऑब्वियसली टाई होगी और मैं मैच करके देख रही थी कि कौन सी टाई जो है वो मैच होगी, और बस यही सब चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। और जिस दिन जाना होता ना उस दिन तो फिर बहुत ही अफरा तफरी मची होती है, आज जाना है, आज यकीन ने मुझे वॉइस ओवर किया, वीडियो कंप्लीट की, बहुत ज़्यादा कमरा इस वक्त मेरा जो है वो फैला हुआ है, और पिंपल्स आप भी आगे पीछे आप लोगों ने देख लिया मेरे इशारे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वसीम का छोटा पाउच बना रही हूँ, जिसमें सारी उनकी टाई, उनका बेल्ट हो गया, उनकी जो भी एसेसरीज वगैरह हैं वो रख रही हूँ, ताकि फिर अलग अलग चीज़ें रखूँगी तो वो कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं छोटे बैग में जो है ना सारा वसीम के जो भी सॉक्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें अच्छी बीवियों की तरह पैक कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम भी हमें ही करना होता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं इनकी पैकिंग करती हूँ, फिर अपनी शुरू करूंगी। देन बस मैंने फिर बैग मंगवाया, और बैग में हमारा एक एक बारात का सूट तो हम घर से ही जाएंगे, बाकी एक ये मैंने अपना ड्रेस वलीमे का रखा, उसके अलावा जो मैंने वापसी में आके चेंज करना था वो रखा। इतने कोई कपड़े नहीं रखने थे, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि बैग्स में सामान रखे कैसे। पहले तो ऐसे रेंडमली मैंने अपनी हेल्पर के साथ रखवा दिया, और गिफ्ट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी इसी बैग में ही एडजस्ट करनी थी, तो बस जैसे कैसे करके मैंने फ़िलहाल एडजस्ट किया, मैंने प्रॉपर सेटिंग नहीं की, मैंने कहा देखो कितना सामान आ रहा है। और यहाँ पे मैंने नो स्ट्रिप भी लगा ली थी, और यहाँ पे मैंने उतार दी इसको तकरीबन 20 मिनट बाद, इतने कोई वाइट हेड्स नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो आज जाना है, आज निकलना है, सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है, मैं सब पैक वैक कर रही हूँ, रात बस मैं मेहंदी लगवा के आई, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें देखी और बाकी अभी मैं पैकिंग जो है वो कर रही हूँ। और ये ड्रेस मैंने वलीमे में पहनना है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये बैग लेके जाना है तो इसी में इसके साथ की सारी एसेसरीज़ रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है वो ड्रेसेस वगैरह बैग वगैरह सारा जो है वो पैक कर लिया था सेटिंग के साथ, बस ये कैन थी इसको भी मैंने शॉपर में लगाया और बस पैक कर लिया। और यहाँ पे हमारा फाइनली जो है वो पैकिंग वाला काम जो है वो सारा कंप्लीट हो गया और बैग हमारा पैक हो गया। मुझे था बैग ज़्यादा वो फूला फूला ना लगे, लेकिन फिर भी वो जितना कम कम सामान रखो ना वो हो ही जाता है, स्पेशली शादियों में। और मैं सुबह की उठी हूँ, कोई ना कोई काम पैकिंग ये वो, और अभी जो है ना बीपी जो है मेरा फुल लो हुआ था इस वक्त, तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले जल्दी से कैल्सी पी लेती हूँ ताकि थोड़ी हिम्मत भी आई, क्योंकि मुझे आज यूट्यूब की 2 वीडियोज़ भी कम्प्लीट करनी थी, एक यूट्यूब के लिए एक इंस्टा के लिए। तो मैंने कहा कि थोड़ी हिम्मत होगी लाइट के सामने बैठ के जो है वो मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी, वरना जो है ना वो
फिर बंदे की जब हिम्मत नहीं होती तो कुछ भी करने का जो है दिल नहीं चाहता। तो बस यहाँ पे मैंने कैलसी पी, उसके बाद अपनी नेल पेंट रिमूव की और यहाँ पे मेरा नेल जो है वो टूट गया, बेइज्जती करवा दी इसने मेरी। बाकी सारे नेल्स इतने अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये टूट गया। और फिर मैंने सोचा कि अभी टूट गया तो दुखी होने से बेहतर है कि कोई जुगाड़ सोचो। जुगाड़ मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर मैं आर्टिफिशियल नेल लगा लूँगी और बस तैयारी यहाँ पर ख़त्म हो गई। वेडिंग प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर एंड हो गई और व्लॉग भी यहाँ पर एंड हो गया। हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। जी अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।